जिला मंडी में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर मीडिया कर्मियों में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में मीडिया कर्मी फ्रंटलाइन के रूप में अपनी जिम्मेदारी पत्रकारिता का निर्वहन कर रहे हैं। कोविड टीकाकरण के इस सफल आयोजन के लिए प्रेस क्लब मंडी के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने शिविर में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अप्रैल में अपने हमीरपुर दौरे के दौरान पत्रकारों को कोविड टीकाकरण करने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर मीडिया कर्मी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग वे लड़ सकें। रोलिंग सर, आज का जो प्रोग्राम है मीडिया कर्मी को टीका लगाने, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। आज मीडिया पर्सन को वैक्सीनेशन जो कोविड के लिए दी गई और इसमें पहली डोज लगी और इसमें लगभग 30 मीडिया पर्सन जो जिनको वैक्सीनेट अभी तक किया जा चुका है और अभी कुछ जो है आना बाकी है। तो इसमें मीडिया पर्सन में काफ़ी अच्छा जोश रहा इसमें लगाने के लिए और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और इनको भी ये कैटेगरी जो थी उसको सरकार ने जो है नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया तो इनको भी बेनिफिट दिया जा रहा है। सर, कौन सी वैक्सीन लगी है? ये कोविड वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन है जो हिमाचल में लगाई जा रही है, तो इसी की सेकेंड डोज लगेगी और वो 6 to 8 वीक्स के बीच में लगाई जा सकती है। जैसा कि आपको विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मीडिया कर्मियों को भी कोविड वॉरियर्स में लिया है वैक्सीनेशन के लिए। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार का, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। आज इसी के तहत मंडी में जो मीडिया कर्मी 45 साल से कम उम्र के थे उन सभी को वैक्सीनेशन हुई है। इसके लिए हम तहे दिल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं।